चलिए, तो लास्ट टाइम पे मैंने आपको हाई फ्रीक्वेंसी एनालिसिस ऑफ ए बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ाया था, एंड दैट टू इन हाई फ्रीक्वेंसी एनालिसिस वी इंट्रोड्यूस्ड अ फेमस मॉडल कॉल्ड हाइब्रिड पाई मॉडल। यू कैन ऑल्सो कॉल इट जियाकोलेटो मॉडल। इस मॉडल की विशेषता ये है दैट ये बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को रिप्रेजेंट करता है एट हायर फ्रीक्वेंसीज। इस मॉडल में कैपेसिटर्स इंट्रोड्यूस किए थे बेस इमिटर जंक्शन पर और बेस कलेक्टर जंक्शन पर। एक बार रिड्रॉ कर लेते हैं सर्किट को। आप लोग भी बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। रिड्रॉ कर लीजिए। एज यूजुअल आपके ट्रांजिस्टर के तीन टर्मिनल्स होंगे, बेस, कलेक्टर एंड दिस होल लाइन इज इमिटर लाइन। बस फर्क ये है कि अब बेस को हमने बी और बी डैश के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। बी डैश इज नॉन टेंजिबल, यू कैन नॉट टच इट। बी इज अवेलेबल टू द वर्ल्ड फॉर कनेक्टिविटी। ट्रांजिस्टर यहां से दुनिया से कनेक्ट होगा। दिस इज द प्लेस ऑफ कनेक्शन एंड दिस वन। इस रेजिस्टेंस को हमने नाम दिया था RBB डैश। दिस वी कॉल्ड इज RB डैश C। यहां पर बेस और इमिटर के बीच में जो इंपिडेंस है या रेजिस्टेंस है उसको हमने नाम दिया था RB डैश E। यहां पर एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करा था आर सी ई, छोटा है दोनों सी और ई। यहां पर एक डिपेंडेंट करंट सोर्स है, नीचे की तरफ डायरेक्शन है, जिसकी नाम रखा जीएम वीवी डैश ई। एक कैपेसिटर यहां पर नजर आता है, सीई। यहां एक कैपेसिटेंस है, इंटरनल कैपेसिटेंस। इनको इंटरनल कैपेसिटेंस बोलते हैं बिकॉज ये सीसी है। बिकॉज दे आर नॉट टेंजिबल, रादर दे आर फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द कैपेसिटेंस। तो यहां पर कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड इफेक्ट ले लिया इस जगह पर और बाकी सारे पैरामीटर्स को लम्प्ड लिया है। तो ये जो मॉडल बना दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड पाई मॉडल एंड नो डाउट दिस इज कॉमन इमिटर मॉडल। तो बेसिकली ये कॉमन इमिटर मॉडल है, लेकिन कॉमन कलेक्टर कॉमन बेस में भी इसी का इस्तेमाल करेंगे। सो वन सिंगल मॉडल विल बी यूटिलाइज्ड फॉर ऑल द थ्री कॉन्फिगरेशंस अल्टीमेटली। अब लास्ट क्लास में हमने जीएम की वैल्यू डिराइव कर ली थी। जीएम की वैल्यू आई थी
absolute value of collector current, total collector current, when no signal is applied, quiescent value divided by thermal equivalent of voltage. VT is a constant जिसकी वैल्यू KT by Q होती है, या आप इसको अगर वैल्यूज में डालना चाहें तो इसको आप लिख सकते हो T अपॉन 11,600 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू रख दी और इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज की वैल्यू है वो रख दी. रूम टेम्परेचर पर यानी 300 केल्विन पर VT की वैल्यू हो जाएगी 26 और IC आ जाएगा एब्सोल्यूटली. यहां पर वैल्यू डाल देंगे 26 यहां डाल देंगे, योर आंसर विल बी इन मिली एम्पियर पर वोल्ट. इसको आप सॉल्व कर लेंगे. बोर्ड से देखिए IC के ऊपर आईसी के ऊपर हमने एब्सोल्यूट का निशान लगाया है. रीजन ये है कि जीएम की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी फॉर बोथ पीएनपी एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर. मैंने आपसे कहा था इट्स एन असाइनमेंट दैट यू हैव टू प्रूव दैट फॉर आइदर काइंड ऑफ ट्रांजिस्टर्स एनपीएन एंड पीएनपी अल्टीमेटली GM कम्स आउट टू बी पॉजिटिव. या तो IC की वैल्यू निगेटिव बन जाएगी या VB'E जो हमने स्टार्टिंग में लेके चले थे वो निगेटिव बन जाएगा. तो एट द एंड ऑफ द डे GM इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा ही पॉजिटिव रहता है. इतनी बातें अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली है. आज कुछ पैरामीटर्स और डिराइव करते हैं. सो नाउ टुडे वी कैलकुलेट, यू कैन कॉल इट आइदर यू कॉल इट GB'E और RB'E, वॉट एवर यू लाइक. GB'E is the conductance between forward bias junction base to emitter. Of course, base और emitter के बीच में एक diode है forward bias condition में, तो उसमें जरूर कुछ ना कुछ conductance होगा या resistance होगा. वो जो resistance की value होगी of course in the dynamic manner will be known as स्मॉल RB'E और GB'E, और दोनों में रिलेशन रेसिप्रोकल का है एक दूसरे के साथ. एक बात और बता दें आगे बढ़ने से पहले, जो आपने हाइब्रिड मॉडल पढ़ा था पिछले चैप्टर्स में जिसको आप H पैरामीटर मॉडल बोलते थे, ये वाला दिस वन, दिस वन HOE, HFE-IB प्लस टू माइनस
HRE, BCE, HIE, base, emitter, collector. ये जो मॉडल है और ये वाला जो मॉडल है, दिस मॉडल एंड दिस मॉडल, दे बोथ आर कॉम्पेटिबल. What do I mean by that? That means कि अगर आप high frequency model को low frequency model पर ले जाकर लगाएंगे तो वो इस model के ऊपर compatible हो जाए. But vice versa is not true. Somebody might say कि अगर हम इस model को हाई फ्रीक्वेंसी पर ले जाएं, तो क्या इसको ऊपर ले जाकर लगा सकते हैं? द आंसर इज नो, बिकॉज इसमें कैपेसिटेंसेस का इस्तेमाल नहीं हुआ है. सो आई रिपीट, हाइब्रिड पाई मॉडल एंड एच पैरामीटर मॉडल, दे आर कॉम्पेटिबल. मीन्स दैट जो हाई फ्रीक्वेंसी पाई मॉडल है, अगर उसको लो फ्रीक्वेंसी पे रिड्यूस करा जाए तो वो एच पैरामीटर मॉडल से कंप्लीटली एग्री करेगा. मैं क्या कहना चाह रहा हूं उसको दो मिनट में आपको और एक्सप्लेन करता हूं. सोचने वाली बात है कि अगर हाइब्रिड पाई मॉडल को जो कि हाई फ्रीक्वेंसी के लिए हमने बनाया, लोअर फ्रीक्वेंसीज पर लेकर जाए, देन व्हाट विल हैपन टू सीई एंड सीसी? माइंड दैट सीई एंड सीसी आर इंटरनल कैपेसिटेंसेस एट बेस इमिटर जंक्शन एंड बेस कलेक्टर जंक्शन. डोंट फॉरगेट, बेस इमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड है और बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस्ड है. आपको पता चलेगा कि जो सीई है उसकी वैल्यू थ्री पिको फैराड होती है. दिस वन इज 3 पिको फैराड एंड दिस इज 100 पिको फैराड, ऑलमोस्ट 30 टाइम्स लार्जर और 33 टाइम्स लार्जर. तो जो बेस इमिटर जंक्शन है उसमें डिप्लेशन लेयर वाइड होती है एंड दैट इज द मेन रीजन व्हाई CE जो है वो 100 पिको फेरेड होगा और जो CC है वो 3 पिको फेरेड होता है. लॉजिक आप बिठा लो अपने मन में. फॉरवर्ड बायस जंक्शन की डिप्लेशन लेयर की विड्थ कम होती है इसलिए उसका कैपेसिटेंस ज्यादा होता है, क्योंकि हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में पढ़ा था Epsilon A by D roughly. तो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स अगर कम होगी तो कैपेसिटेंस लार्जर होगा. Therefore, फॉरवर्ड बायस जंक्शन का कैपेसिटेंस लार्ज होता है और रिवर्स बायस जंक्शन का कैपेसिटेंस कंपैरेटिवली स्मॉल होता है, छोटा होता है. ये भी डायनेमिक कैपेसिटेंस है. दीज आर ऑल्सो डायनेमिक कैपेसिटेंसेस. तो चलिए, दोनों को अगर हम
लो फ्रीक्वेंसी पे बनाए, तो क्योंकि कैपेसिटेंस का जो रिएक्टेंस होता है एक्स सी वो 1/j ओमेगा सी होता है, या एक्स सी के रिएक्टेंस का मैग्नीट्यूड 1/ωc होगा। ऑब्वियस बात है ये जो कैपेसिटेंसेस है दोनों बहुत स्मॉल वैल्यू के हैं। द पिको फैराड इज रिलेटिवली स्मॉल, बहुत छोटा होता है इस कंपेयर टू माइक्रो फैराड और मिली फैराड। बहुत छोटा कैपेसिटेंस है या कैपेसिटेंस का मैग्नीट्यूड काफी छोटा है, और अगर आप ओमेगा जो कि न्यूमेरिकली 2πf होता है उसकी वैल्यू रख दें तो ये बन जाएगा 2πfc 1/, और क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है फ्रीक्वेंसी भी लोअर है कैपेसिटेंस भी बहुत छोटा है तो xc विल बी वेरी वेरी लार्ज, बहुत बड़ा होने वाला है, काफी बड़ी वैल्यूज की आने वाली है। यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस चाहे वो सीई के कारण हो चाहे वो सीसी के कारण हो एक्सट्रीमली लार्ज होता है। अगर कैपेसिटेंस एक्सट्रीमली लार्ज हो गया रिएक्टेंस के मामले में और वो पैरेलल में लगा है जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, बोथ दिस कैपेसिटेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो पैरेलल में जो लार्जर रिएक्टेंस या रेजिस्टेंस होता है आप उसको कंपैरेटिवली निग्लेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही निग्लेक्ट करेंगे ये सर्किट ऐसा बन जाएगा। तो आप लिखिए अपनी कॉपी में लो फ्रीक्वेंसीज हाइब्रिड पाई मॉडल विल रिड्यूस इनटू, क्या बनेगा देखते हैं। बी बी डैश ये रहेगा ये भी रहेगा ऑल द रेजिस्टिव कंपोनेंट्स विल सर्वाइव, आर सी रहेगा आर बी डैश सी रहेगा आर बी डैश ई रहेगा आर बी डैश रहेगा बी बी डैश सी, दिस इज द लाइन बॉटम लाइन इमीटर ये हो जाएगा आपका अभी भी जी एम बी बी डैश ई। लुक द कैपेसिटेंसेस हैव फॉरगॉन, चले गए गायब हो गए, व्हाई बिकॉज एट लो फ्रीक्वेंसीज देयर इफेक्ट विल बी निग्लिजिबल एंड वी डोंट नीड टू अकाउंट फॉर दैट, हमको उसका हिसाब रखने की जरूरत नहीं है। मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि अब ये जो हाइब्रिड पाई मॉडल कन्वर्ट हुआ ये कंप्लीटली मैच करेगा इसके साथ, इस मॉडल के साथ, कॉमन इमीटर एच पैरामीटर मॉडल के साथ, क्योंकि ये हमने लो फ्रीक्वेंसीज के लिए बनाया था।
तो कहने का मतलब ये है कि लो फ्रीक्वेंसीज पे आप ये वाला मॉडल यूज करें या अपने एच पैरामीटर मॉडल में से कैपेसिटेंस हटाकर ये वाला मॉडल यूज करें, तब ये दोनों एक दूसरे के साथ पूरी तरह से तुल्यात्मक होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। अगर ये बात सही है तब जितने भी पाई मॉडल के पैरामीटर्स हैं जो यहां दिखाई पड़ रहे हैं ये वाले, ये सब के सब दे कैन बी रिटर्न इन टर्म्स ऑफ एच आई ई, एच ओ ई, एच आर ई एंड एच एफ ई। तो आर बी बी डैश, आर बी डैश सी, आर बी डैश ई, आर सी ई, इन सबको हम एच आई ई, एच ओ ई, एच आर ई और एच एफ ई के माध्यम से वाया लिख पाएंगे अगर ये दोनों मॉडल्स लो फ्रीक्वेंसी पे जाकर एक दूसरे के साथ कॉम्पेटिबल या इक्विवेलेंट हो जाते हैं तो। और यही अब हमारा विषय है। सबसे पहले हम अटैक करेंगे इस पर, आर बी डैश ई की वैल्यू निकालेंगे। आप लॉजिक का इस्तेमाल कीजिएगा, मैं एक सर्किट आपके सामने एक बार और बना देता हूं। इसके जस्ट नीचे एक सर्किट और बना देता हूं, फिर से आप लोग भी बनाइए। बी सी एच आई, इसमें बी अकेला होता है, बी और बी डैश में डिवीजन नहीं होता है, एंड दिस इज द इमिटर लाइन, दिस इज कलेक्टर, ये हमारा आई सी है, आई स्मॉल सी, दिस इज आई स्मॉल बी, this voltage V small C, this voltage V B, ओके। सो हम शुरुआत कर रहे हैं आर बी डैश ई के कैलकुलेशंस। मैं आपको लॉजिक बता दूं क्या है। आर बी डैश ई की वैल्यू निकाल रहे हैं जो कि फॉरवर्ड बायस जंक्शन बेस इमिटर के बीच में है। आपको ध्यान होगा, आपको ध्यान होगा कि जब भी हम पैरामीटर्स की वैल्यू यहां निकालते थे तब हमेशा या तो आउटपुट को शॉर्ट करते थे या इनपुट को ओपन सर्किट करते थे। तो जब भी पैरामीटर्स निकालते थे या तो VCE को जीरो लेना होता था या IB को जीरो लेना होता था, इन दोनों में से एक कंडीशन अप्लाई करते थे।
अब सबसे पहले जो कंडीशन अभी हम अप्लाई करने जा रहे हैं वो ध्यान से सुनो, क्योंकि हम इनपुट साइड पर बैठे हुए हैं तो आउटपुट को शॉर्ट कर देंगे। लिखो कॉपी में, आउटपुट शॉर्ट सर्किटेड। अगर यहां शॉर्ट करा तो यहां भी करना पड़ेगा, और जैसे ही शॉर्ट करेंगे तो जो कलेक्टर करंट है जो यहां से फ्लो हो रहा है, ये कलेक्टर करंट चाहे यहां से निकालें चाहे यहां से निकालें सेम होना चाहिए। तो आईसी अगर हमने यहां से निकाला आउटपुट शॉर्ट कंडीशन में, फ्रॉम द अपर सर्किट आईसी विल कम आउट टू बी, आई होप ऑल ऑफ यू विल एग्री, इंस्टेंटेनियसली इट विल बी जीएम वीबी डैश, क्योंकि जो शॉर्ट सर्किट कलेक्टर करंट है वो पूरा का पूरा जीएम वीबी डैश ई के बराबर होता है। दिस होल करंट विल पास थ्रू दिस लूप, और सेम आईसी को अगर यहां से निकालेंगे नीचे वाले सर्किट से तो आईसी की वैल्यू आएगी नीचे वाले सर्किट से सेम लॉजिक से एच एफ ई आई बी के बराबर। एम आई राइट और नॉट? यहां पर ये पूरा करंट इसमें से घूमकर यहां आ जाएगा। तो ज्ञान की बात यह है कि आईसी इस सर्किट में से निकालें या इस सर्किट में से निकालें, अगर दोनों मॉडल कॉम्पेटिबल हैं और इक्विवेलेंट हैं तो आईसी की वैल्यू तो सेम होना चाहिए। कारण ये कि ट्रांजिस्टर को थोड़ी मालूम कि हम उसको किस चश्मे से देख रहे हैं, तो ट्रांजिस्टर का आईसी तो सेम होगा, तो आईसी अगर ऊपर वाले मॉडल से निकालेंगे तो जीएम वीबी डैश ए आएगा, और नीचे वाले मॉडल से निकालेंगे तो एच एफ ई आई बी आएगा। सो इट इज वेरी लॉजिकल टू कंक्लूड दैट, अगर ये बात सही है तो हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं दैट जीएम वी बी डैश ई मस्ट बी इक्वल टू 100% एच एफ ई आई बी। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं, वी बी डैश ई के अपॉन में आई बी को लिख देते हैं, ये बन जाएगा एच एफ ई अपॉन जी एम। थोड़ा सा गौर करो, ये जो बनाया आपने रेशो वी बी डैश ई अपॉन आई बी अंडर VCE शॉर्ट सर्किटेड फॉर सिग्नल, ये क्या होता है? जैसे आप इसको शॉर्ट करते हैं यहां पर, ये वाली नोड इस नोड से शॉर्ट हो जाती है, तो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस एक दूसरे के पैरेलल में आ जाते हैं, यानी सर्किट ऐसा बन जाता है like this RBB dash, then you have RB dash E और उसके पैरेलल में RB dash C. Why? Because output is short circuited. अगर किसी को कम भी नॉलेज है तो वो भी समझ जाएगा कि आर बी डैश ई बहुत छोटा होता है, बिकॉज ये फॉरवर्ड बायस जंक्शन के कारण है, और आर बी डैश सी बहुत बड़ा होता है। मैं पहले से बता दूं, ये 1K के आसपास होता है और ये 4 मेगा के आसपास होता है। ऑब्वियस बात है कि इधर से जो करंट आएगा आई बी, इधर से करंट आएगा आई बी, उसका 99.9% हिस्सा इसमें से जाएगा और इसमें से निगलिजिबल जाएगा। अगर ऐसा हो गया
तो हम आर बिडाई सी को इग्नोर कर सकते हैं फॉर कैलकुलेशंस, और यहां पर हम लिख सकते हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं दैट दिस वोल्टेज वी बी डैश ई विल बी आई बी मल्टीप्लाइड बाय आर बी डैश ई ओम्स लॉ। एजम्पशन क्या है कि आई बी पूरा का पूरा, ऑलमोस्ट पूरा का पूरा आर बी डैश ई से गुजर जाएगा रादर देन आर बी डैश सी। रीजन है आर बी डैश सी हजारों गुना ज्यादा है, 4000 टाइम्स लार्जर है, तो करंट भी उसका 1/4000 टाइम्स छोटा होगा। तो पता चल गया इस इक्वेशन से कि वी बी अपॉन आई बी करेंगे तो आर बी डैश ई आ जाएगा। देखिए हमने यहां क्या लिख रखा है, यहां पर हमने लिख रखा है वी बी डैश ई अपॉन आई बी। सो कैन आई राइट इन दिस प्लेस दिस इज एज गुड एज आर बी डैश ई इक्वल टू एच एफ ई अपॉन छोटा जी एम। ये वैल्यू बन गई आर बी डैश ई। आप में से जिनके पास कैलकुलेटर्स हो वो एच एफ ई की वैल्यू रखो, एच एफ ई है 50 और जी एम है 50 मिली एम्पियर पर वोल्ट। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आपका आ जाएगा 1 किलो ओम। तो पता चल गया आर बी डैश ई की वैल्यू जो कि फॉरवर्ड बायस जंक्शन का रेजिस्टेंस है 1 किलो ओम होता है, 1 किलो ओम होता है। वेरी सिंपल। अब एक काम करते हैं, इसको आप सब याद करते जाइएगा। अब निकालते हैं वैल्यू अब वैल्यू निकालते हैं अब वैल्यू निकालते हैं फीडबैक कंडक्टेंस जी बी डैश सी। फीडबैक कंडक्टेंस जी बी डैश सी, घबराओ मत, जी बी डैश सी इज एज गुड एज 1/ आर बी डैश सी जो कि यहां कनेक्टेड है। This one. Why do you call it feedback resistance? Because it is a bypass between input node and output node. और आपको एक और गूढ़ रहस्य की बात बता दूं। R B dash C is because of early effect in the transistor. याद करिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने अर्ली इफेक्ट नाम की चीज पढ़ी है, जिसमें रिवर्स बायस्ड बेस कलेक्टर जंक्शन को जब हम उसका रिवर्स बायस चेंज करते हैं तो उसकी डिप्लेशन लेयर वेरी करती है, और जब डिप्लेशन लेयर वेरी करती है तो बेस करंट पर प्रभाव आता है, और बेस करंट पर प्रभाव आने के कारण इनपुट साइड की कंडीशंस चेंज होती है। This effect was earlier known as early effect or base width modulation. तो उसके इफेक्ट को मैथमेटिकली इंप्लाई करने के लिए हमने आर बी डैश सी को इंट्रोड्यूस किया है। तो आप आउटपुट पे परिवर्तन करोगे तो वो आर बी डैश सी के माध्यम से इनपुट में जाकर चेंजेस पैदा करेगा, and hence RBDC is called feedback resistor. चलिए
तो अब हम आर बिडाइस थ्री निकालने जा रहे हैं, या जी बिडाइस सी निकालने जा रहे हैं, जो अच्छा लगे आप। अब ऑब्वियस बात है कि पिछले सर्किट में हमने कलेक्टर इमिटर वोल्टेज को जीरो करके सॉल्व किया था, अब की बार इनपुट को ओपन सर्किट करेंगे यानी आईबी को जीरो करेंगे। जैसे आईबी को जीरो करोगे आपको क्या दिखाई देगा, अगर आईबी जीरो हो गया तो यहां और यहां के बीच में जो वोल्टेज है बी 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 डैश ये जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि बी बी डैश ई भी जीरो हो जाएगा, इट विल नॉट बी जीरो। व्हाई? बिकॉज इधर से जो करंट आएगा वो इसमें भी फ्लो होगा। इफ यू परमिट मी कैन आई राइट समथिंग लाइक दिस, mathematically VBE external base जो दुनिया के पास अवेलेबल और emitter के बीच का वोल्टेज is as good as VBB dash plus VB dash E and this can be written as IB RBB dash plus VB dash E। Therefore, अगर IB zero है तो VB dash E will be same as VB। इसको एक बॉक्स में डाल के रखो। This is subject to input open circuited। अगर आप इनपुट को ओपन कर देंगे तो बी डैश और बी के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो शून्य हो जाएगा, बिकॉज आई बी जीरो हो जाएगा, तो जो ओहमिक ड्रॉप आता है वो जीरो हो जाएगा। अब इसके क्या नतीजे निकलेंगे और देखते हैं। हमारे ओरिजिनल सर्किट पे चलते हैं। हमने आपसे क्या कहा था, ये दोनों सर्किट एक दूसरे से मैच हो जाते हैं। कब मैच हो जाते हैं, जो हमने पहले बनाया था उसको डिलीट कर देते हैं। हट जाएगा, this will be on, this will be on, short circuit khatam, right? हाँ, अब की बार आई बी जीरो है तो यहां पर भी आई बी जीरो होगा, और इस सर्किट में आई बी अगर जीरो हो गया तो ये हो जाएगा आपका जीरो एम्पियर का करंट सोर्स। और अगर ये जीरो एम्पियर का करंट सोर्स हो गया तो वीसीई के कारण जितना भी करंट फ्लो होगा आईसी वो पूरा का पूरा इसमें से जाएगा। इक्वेशन बनेगी, ध्यान से देखना भाई, आई सी इक्वल टू व्हेन इनपुट इज ओपन सर्किटेड एच ओ इंटू बी सी। एच ओ इंटू बी सी बनेगी या नहीं बनेगी, बताइए। एग्री डियर फ्रेंड्स, ये सब आपको काम आता रहेगा बार बार।
अब एक बार काम करते हैं, ऊपर वाले सर्किट को एक बार और देखते हैं कि अगर आपने इनपुट को ओपन सर्किट कर दिया, यानी यहां पर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो जो आईसी आ रहा है वो पूरा का पूरा यहां से होता हुआ, यहां से होता हुआ यहां जा रहा है। तो ये दोनों रेजिस्टेंस एक दूसरे के कैसे हो गए, सीरीज में हो गए। यहां से यहां का वोल्टेज ये वाला VCE है, फ्रॉम हियर टू हियर। मैं सर्किट को थोड़ा सिंप्लीफाई करके बना देता हूं आपके सामने। आउटपुट साइड पे ऐसा सर्किट दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा, ऑफ कोर्स यहां पर GNVB-E होगा, यहां पर बाकी सब सर्किट में लगा होगा, RCE होगा, एग्रीड। ये आपका कलेक्टर टर्मिनल है, ये आपका सॉरी इमीटर टर्मिनल है, और ये आपका बी डैश टर्मिनल है। दिस इज आर बी डैश सी, दिस इज आर बी डैश ई। अगर यहां से यहां का वोल्टेज देखें तो वी सी ई है, और ये वोल्टेज देखें तो वी बी डैश ई है। कैन बी अप्लाई वोल्टेज डिवाइडर थ्योरम हियर, लिखिए अपनी कॉपी में अप्लाइंग वोल्टेज डिवाइडर थ्योरम। तो वी बी डैश ई डिवाइडेड बाय टोटल वोल्टेज वी सी ई विल बी इक्वल टू आर बी डैश ई अपॉन आर बी डैश ई प्लस आर बी डैश सी। दिस इज वोल्टेज डिवाइडर थ्योरम। ये इंडिविजुअल वोल्टेज यहां का डिवाइडेड बाय टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू दिस रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ दिस टू रेजिस्टेंसेस। और ये हमने किस कंडीशन में निकाला, ये सब्जेक्ट टू आई बी इक्वल टू जीरो। याद कीजिए पिछला चैप्टर, पिछले चैप्टर में अगर हम अच्छा वी बी डैश ई को आप लिख सकते हो एज गुड एज वी बी ई, वाई बिकॉज आई बी इज जीरो, तो ये बन जाएगा वी बी ई अपॉन वी सी ई। और वी बी ई अपॉन वी सी ई जब आई बी जीरो हो तो एच आर ई होता है बाय डेफिनेशन। तो पता चल गया कि एच आर ई की वैल्यू इसके बराबर है, तो हम लिख सकते हैं आर बी डैश ई अपॉन आर बी डैश ई प्लस आर बी डैश सी इज इक्वल टू एच आर ई। सिंपल लॉजिक, पिछले मॉडल इस मॉडल को अगर हम अंडरस्टैंड करें, रीजन आपके सामने है, बी डैश की जगह बी क्यों लिखा, बिकॉज आई बी की वैल्यू जीरो है, तो वी बी बी डैश का जो वोल्टेज है वो जीरो है। इसको सॉल्व करा, इसको सॉल्व करा तो हमको मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट लिख दूं क्या, वन माइनस एच आर ई आर बी डैश ई इक्वल टू एच आर ई आर बी डैश सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करके रीअरेंज कर लिया, और क्योंकि एच आर ई की वैल्यू वन से बहुत छोटी होती है, तो इसमें वन के कंपैरिजन में एच आर ई को निग्लेक्ट कर दिया, तो और सिंपल बन गया आर बी डैश ई इज इक्वल टू एच आर ई आर बी डैश सी। ये वैल्यू बन गई आर बी डैश ई की वैल्यू। अभी हमने
पिछले आर्टिकल में निकाली है, याद आ रहा है? आरबीडेशी की वैल्यू हमने निकाली थी एच एफ अपॉन जी एन, तो बन गया एच एफ अपॉन जी एन इक्वल टू एच आर ई आर बी डैश सी। पर हम घर से क्या फाइंड आउट करने निकले थे? आरबी डैश सी ढूंढने निकले थे, तो आरबी डैश सी की वैल्यू बातों ही बातों में आ गई एच एफ अपॉन जी एम एच आर ई। अब आप लोग सब फटाफट अपने कैलकुलेटर में एच एफ ई जी एम एच आर ई की वैल्यू डाल दो टेबल 8.2 से देखकर, और देखो ये कितना आता है अप्रॉक्सीमेटली। मैं पहले से भविष्यवाणी कर दूं कि अप्रॉक्सीमेटली 4 मेगा है, डेसिमल्स में हम अभी नहीं जाएंगे, करीब करीब 4 मेगा ओहम आएगा। तो बात प्रूव हो गई हमारी कि क्योंकि बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस्ड है, तो होपफुली एज पर अवर अजम्पशन ये लार्ज वैल्यू आए, लार्जर वैल्यू आए, लार्जर वैल्यू आए। चलिए अब पढ़ते हैं अगला पार्ट। कैन यू गेस अब हम क्या पढ़ेंगे? अब निकालने जा रहे हैं आर बी बी डैश की वैल्यू। अब ढूंढने जा रहे हैं टू फाइंड और डिराइव वैल्यू ऑफ आर बी बी डैश। आर बी बी डैश कहां पाया जाता है? इनपुट साइड पर, बेस बेस का बी डैश यहां पर आर बी डैश ई, यहां पर आर बी डैश सी। आर बी बी डैश निकालने के लिए लॉजिकल है कि अब की बार आउटपुट को शॉर्ट करेंगे। आपको याद हो गया होगा इनपुट साइड के पैरामीटर निकालने के लिए आउटपुट को शॉर्ट करते हैं और आउटपुट साइड के पैरामीटर निकालने के लिए इनपुट को ओपन सर्किट करते हैं। ऐसा हमने एच पैरामीटर निकालते वक्त भी बार बार किया था, तो अब की बार वीसीई को शॉर्ट कर दिया। जैसे ही वीसीई को शॉर्ट करेंगे तो ये शॉर्ट हो जाएगा, ये शॉर्ट हो जाएगा, तो ये दोनों रेजिस्टेंस एक दूसरे के पैरेलल में हो जाएंगे। तो जो इधर से आई बी आएगा वो आइडियली इन दोनों में से पास होना चाहिए, पर क्योंकि ये बहुत लार्ज है तो इसको इग्नोर कर देंगे, तो आई बी पूरा का पूरा इसमें से चला जाए। तो हम लिख सकते हैं वी बी ई फ्रॉम दिस सर्किट विल बी आई बी आर बी बी डैश प्लस आई बी आर बी डैश ई, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इस लूप में लगाया। आपको समझ में आ रहा है ना सब लोगों को? तो VBE की वैल्यू आ गई IB RBB डैश प्लस IB RB डैश E। और साथियों अगर H पैरामीटर मॉडल में जाके देखें तो VBE अपॉन IB का रेशियो व्हेन VCE इक्वल टू जीरो then this is HIE by definition. I hope all of you will agree with me कि H parameter model से अगर VBE upon IB निकालते तो वो HIE के बराबर होता under the given condition. तो इस equation को देखो वापस से, look at this equation. IB को इस तरफ ले जाओ निकाल कर, common निकाल कर,
Can I write directly? HIE will become equal to RBB dash plus RB dash T. In other words, RBB dash equal to original HIE minus modern RB dash E. So this was 1.1K, this was 1K, so this becomes 0.1K or 100 ohms. So RBB dash key value simply 100 ohms I, because this is the ohmic resistance जो हम मेटल कनेक्ट करते हैं बेस रीजन में उसके कारण होता है. अब एक और पढ़ लेते हैं, आज के लिए काफी हो जाएगा. एक और पढ़ लेते हैं, एक और पढ़ लेते हैं, राइट. एक और पढ़ लेते हैं, अब पढ़ लेते हैं आउटपुट कंडक्टेंस के बारे में. जिसको आप पिछले मॉडल में HOE की संज्ञा देते थे और इस मॉडल में उसका रोल RCE प्ले कर रहा है या GCE प्ले कर रहा है. तो जीसी एचओई का रिफ्लेक्शन है, उसका प्रतिबिंब है, उसकी इमेज है. अब आप समझ गए होंगे क्योंकि अब हम आउटपुट साइड पे जा रहे हैं तो इनपुट को ओपन करेंगे यानी आईबी को जीरो करेंगे. जैसे ही आप आईबी को जीरो करेंगे, मैं पिछली क्लास में या पिछले थोड़ी देर पहले बता चुका हूं, अगर आईबी जीरो हो गया तो नतीजे निकलेंगे that VBB dash will become zero. Therefore, VB dash E will be as good as VBE because of this condition. ये एक observation है. अब pi model कैसा दिखेगा output side पे? Output side पे ऐसा दिखेगा. आउटपुट साइड पे जीएम वीबी डैश ई, दिस विल बी एज गुड एज जीएम वीबी ई. व्हाई? बिकॉज आईबी इज जीरो. यहां पर आरसीई बोलो या जीसीई बोलो, लगाओ ये हमारी बेस लाइन है. बेस है ना, वाला बेस नहीं, इमिटर की लाइन है, बॉटम लाइन बोल दो. ये हमारा कनेक्टर का है, ये आरबी डैश सी, यहां पर लगा है आरसी, और इधर हवा में लटका हुआ है RBB dash. क्यों हवा में लटका है? क्योंकि IB जीरो है और यहां का जो वोल्टेज होना चाहिए था वो अब यहां का वोल्टेज हो जाएगा. So VBE will be as good as VB dash. अब देखिए इधर से आया कलेक्टर करंट, वो तीन हिस्सों में विभाजित होगा, इसमें से जाएगा, इसमें से जाएगा और इसमें से जाएगा. अगर किरचॉफ का करंट लॉ लगाएं तो आईसी की वैल्यू हो जाएगी, थ्री पार्ट्स में ब्रेक होगा, वीसीई इंटू जीसीई, यहां का वोल्टेज वीसीई, तो वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय कंडक्टेंस, वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय कंडक्टेंस इज करंट फ्लोइंग थ्रू दिस हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल प्लस करंट सोर्स दिस वन जीएम
वीबी डैश ई बोलो या वीबीई बोल दो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आईबी जीरो है, प्लस प्लस ये दोनों एक दूसरे के सीरीज में है। तो अगर सीरीज में है और ये लार्जर रेजिस्टेंस है और ये स्मॉलर रेजिस्टेंस है, तो सीरीज में जो लार्जर रेजिस्टेंस होता है वो डोमिनेट करेगा। तो अल्टीमेटली आपका फॉर्मूला यह बनना चाहिए था वीबी डैश की जगह वीबी अपॉन आर बी डैश सी प्लस आर बी डैश ई, ये होना चाहिए। लेकिन इसको इग्नोर कर देंगे बिकॉज दिस इज स्मॉल एज कंपेयर टू दिस। समझ में आया मैंने बी डैश की जगह बी क्यों ले लिया है? क्योंकि अभी हम आई बी इक्वल टू जीरो ले रहे हैं। अब ये इक्वेशन और सिंप्लीफाई हो जाएगी, आई सी इक्वल टू बन जाएगा बी सी इंटू डी सी जी एम बी बी ई और बी बी ई इंटू जी बी डैश सी, क्योंकि वन अपॉन आर बी डैश सी जो होगा वो जी बी डैश सी हो जाएगा। रीजंस में देते चल रहा हूं, दोस्तों ये पूरी इक्वेशन जो हमने बनाई ये सब्जेक्ट टू कंडीशन आई बी इक्वल टू जीरो। वी बी ई को क्या लिख सकते हो आप यहां पर? वी बी ई विल बी एज गुड एज आई बी इंटू आर बी डैश ई, लिख सकते हैं आई बी इंटू आर बी डैश ई। कोई इशू नहीं, लिख सकते हैं। राइट फ्रेंड्स, तो क्या बन जाएगी इक्वेशन? आईसी की वैल्यू बनेगी बीसीई काम करो। आई एम नॉट हैप्पी विद दिस इक्वेशन। ये हो जाएगा वीसी वीसी BC, GM, चलो अभी पूरा ही लिखते हैं इसको जीएम बीबीई रहने दो अभी, प्लस बीबीई इंटू डीबीडेस, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। और बीबीई को एचआरई की डेफिनेशन से लिख सकते हैं, एचआरई वाज बीबीई अपॉन बीसी व्हेन आईबी वाज जीरो। तो VB के स्थान पर आप हर जगह जा जाके लिख दीजिए HRE into VC, ये वैल्यू यहां ले जाके लिख दीजिए। तो अब क्या बनेगा? मैं डायरेक्टली लिखूं या आप कर रहे हैं?
आईसी की वैल्यू बनेगी आईसी की वैल्यू बनेगी हमें लिखने जा रहा हूं जहां जहां से वीसी कॉमन निकलेगा। पहले टर्म में तो ऑलरेडी वीसी है तो जीसी इंटू वीसी प्लस जीएम बीबी डैश ई के स्थान पर डाल देंगे एचआरई इंटू वीसी प्लस प्लस तीसरी टर्म क्या है बीबीई इंटू जीबी डैश सी तो बीबीई की जगह आ जाएगा एचआरई वीसीई इंटू जीबी डैश सी। यहां से वीसीई 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 कॉमन ले लो और दूसरे साइड पे ले जाओ तो आपको मिलेगा आईसी अपॉन बीसी इक्वल टू जीसीई प्लस जीएमएचआरई प्लस एचआरई इंटू जीबी डैश सी ये वैल्यू मिलेगी आपको। एम आई राइट और नॉट? और ये सब्जेक्ट टू कंडीशन है आई बी इक्वल टू जीरो एंड व्हाट इज दिस व्हेन आई बी इज जीरो आई सी अपॉन बी सी ई आई सी अपॉन बी सी ई व्हेन आई बी इज जीरो फ्रॉम द एच पैरामीटर मॉडल एच ओ ई वॉज रिटन एज आई सी अपॉन व्हेन आई बी इज जीरो तो क्या बन गया लास्ट में एच ओ ई की वैल्यू आ गई डी सी ई प्लस जी एम एच आर ई प्लस एच आर ई डी बी डैश सी राइट। अब आप चाहो तो इसमें जी बी डैश सी की और जीसी की वैल्यू जीसी की तो वैल्यू निकालना है हमें जीएम की वैल्यू तो जीसीई की वैल्यू हो जाएगी एचओई माइनस जीएम एचआरई माइनस एचआरई जीबीडेस इसका वन अपॉन कर देंगे तो आर सी आ जाएगा डोंट वरी। अब ये आप इग्नोर कर सकते हो ये निग्लिजिबल होगा वाई बिकॉज एक तो एच आर ई बहुत छोटा है और जी बी डी सी बहुत छोटा है तो दो स्मॉल क्वांटिटी जब आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो और भी स्मॉल वैल्यू आएगी तो जी सी ई की शॉर्ट एंड स्वीट वैल्यू आ जाएगी एच ओ ई माइनस जी एम एच आर एच ओ तो आपको पता ही है जी एम की वैल्यू हो जाएगी आपकी जो आप पहले निकाल चुके हो कितनी थी जी एम की वैल्यू थी आपकी एच एफ ई एच एफ ई इंटू जीबीडेशन राइट। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए गेट द वैल्यू यू कैन रेफर टू योर बुक फॉर फर्दर डिस्कशन।
अब इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा तो GCE या RCE की वैल्यू कम से कम 80 के आना चाहिए एज पर माई नॉलेज। तो इतने पैरामीटर्स हमने सारे डिराइव कर लिए आज।